नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। काफ़ी हद तक ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव कुछ दिनों से चल रहा है, काफ़ी राइजिंग चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कोल इंडिया सिम्बॉलिक नेम है इसका। चार नवंबर 10 को ये लिस्टिंग हो गया था। एक कोल में आता है यहाँ पे, लगभग पी इसका देख सकते हैं 12 12.5 करीब है इसका सेक्टर का, और ये निफ्टी 500 में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ट्रेड हो रहा है 231 पे। इसका लो भी था 231 का, हाई था 235 का। यहाँ पे 139 रुपये का दिसंबर 2021 में गया था, और हाई गया था यहाँ पे 8 सितंबर 2022 को यहाँ पे 240 का। इस तरीके से इसने हाई बनाया था, यानी एक वीक का उसका हाई था एक साल का। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिनों की बात करें, तो एक दिन में इसका माइनस में रिटर्न देखिए आप, वक्त में भी माइनस में है, मंथ में काफ़ी बढ़िया से खेल रहा है, ये ईयर्स में देखिए वो अच्छी बात है। अगर आपने एक साल के 50% रिटर्न आपको मिला है, 5 साल की बात करें तो माइनस में है, तो एक साल के लिए हम कह सकते हैं कि बाकी सब कुछ इसमें माइनस में दिखा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल के लिए हम चले। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका थोड़ा फंडामेंटल प्रॉफिट है में कंपनी है, या फिर कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉफिट उसने नहीं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम कहते हैं माइनस में है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत माइनस में गया 2000, मेरे ख्याल से 2017 में, 17 में, हाँ 19 में, अच्छा 19 20, और यहाँ पे 22 में भी अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसने अभी किया है जो कि 22 में चल रहा है, क्योंकि उसके पहले उसने किया था 2013 में सबसे बढ़िया, फिर 2019 में। तो मिली जुली है, हम उतना राइजिंग नहीं कह सकते, वो जैसे कि प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता जा रहा है, उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है। तो अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट अभी इस साल बनाते हुए दिख रही है ये कंपनी। तो चलिए थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर चलते हैं, जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये हमारी चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, तो कुछ सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करते हैं तो ये काफ़ी उसने हाई बनाया। अगर इस पर और जूम आउट करें और इसको थोड़ा सा नीचे ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी यहाँ तब काफ़ी, जो कि 2000 मैंने कहा था ना 19 में काफ़ी प्रॉफिट बनाया था, तो आज के समय इसने अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, और इसने अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये स्टॉक अभी काफ़ी लंबे रेस का घोड़ा बन सकता है। थोड़ा सा मैं उसको बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये इस साइड वेज था, फिर से इसने इसी इस तरीके से मूवमेंट पकड़ी है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये अगर ये हम रेंज ऐसे जोड़े और ये रेंज को हम इस तरीके से जोड़े, तो हो सकता है कि इस यहाँ तक ये दायरे में स्टॉक काम कर रहा था, लेकिन ये दायरा तोड़ के अब यहाँ पे ये ऊपर उठ चुका है। तो अब हम इसमें ट्रेड कब ले, एंट्री कब ले, तो सही वक्त कौन सा है एंट्री? तो हमें लगता है कि इसकी एंट्री आपको यहाँ पे ये वक्त हम सही कह सकते हैं कि ये वक्त सही है इसमें एंट्री लेने का, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से राइजिंग है, अभी यहाँ पे डाउनफॉल इसमें नहीं आया पूरी तरीके से। आपको देखिए यहाँ से, जहाँ से ये यहाँ से मिलकर ऊपर चला गया, तो टारगेट कौन सा? आप टारगेट रख सकते हैं 250 का, 250 का आप इसमें रख सकते हैं एंट्री, आप 230 पर भी ले सकते हैं, नहीं कि एंट्री सही वक्त हम कह सकते हैं। और अगला टारगेट हो सकता है 250 का मिलने के बाद भी आपको 270 तक का टारगेट इसमें देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी हद तक ये अभी स्टॉक यहाँ पे जो उसकी रेंज है, जो कि 2000 मेरे ख्याल से 19 में था, 300 के ऊपर था, 300 के ऊपर था, वो आपको यहाँ पे रेंज कुछ दिनों में या फिर कुछ एक साल के अंदर आपको ये देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप इसमें एक साल का यहाँ पे लगाकर रख दीजिए, क्योंकि
क्योंकि पिछले एक उसका लो था 1 साल का, तो वो था 140 के करीब, हम 100 लो था, और हाई था उसका 240 का। इस तरीके से 1 साल में इतना बढ़िया से इसने रिटर्न मिला है, यानी इसके यहाँ पे ऊपर स्टॉक गया है। तो अगले यहाँ पे 1 साल में फिर से हम 1 साल में कह सकते हैं कि इसमें 300 के ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ले ली, ये भी आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है कि 230 पे आप एंट्री लेके आप वेट कीजिए 250 का होने का। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अगर आपको तो इसमें एंट्री नहीं लेनी, थोड़ा सा और लगता है कि आप थोड़ा सा और डिप एंड बाय करेंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 210 पे एक एंट्री बन सकती है, एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। यानी 210 पे भी आप एक एंट्री ले सकते हैं, यानी इसके ऊपर भी एक एंट्री पॉइंट बन सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, या फिर आप 200 के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ये भी समय 230 का जो समय है वो भी अच्छा खासा समय, क्योंकि ये टारगेट आपको यहाँ पे 250 यहाँ पे लेके जाने वाला है। मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में आपको 250 का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम पीवट लेवल की बात करें, इसमें थोड़ा सा इसे इंडिकेटर ऑन करें और भी आसान करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर दें, नहीं छोटा करते दे, तो इसमें साफ साफ आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे। लगभग 5 लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये 5 लेवल में आप अगर इसमें लगभग पहला टारगेट जो रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वो 314 का है। अगर आप 300 यहाँ पे 14 का इसमें एक जोन बताएंगे, और दूसरा जो जोन होगा मैंने बताया था आपको, ये 200 का भी आप सपोर्ट जोन में इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लेवल जानने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उतने इतना लंबे समय तक कोई इसमें नहीं रहता, हम ज़्यादातर यहाँ पे इस पे निकलते बाहर, या फिर इसमें से अगर इस पे निकलते हैं बाहर ज़्यादातर, यानी फर्स्ट सपोर्ट या सेकंड सपोर्ट में निकलते बाहर, और टारगेट हमारा रहता है पहला रेजिस्टेंस जोन या फिर दूसरा रेजिस्टेंस जोन। तो इस तरीके से ये होगा आपका, मैंने कहा था आपको कि 250 का होगा, तो यहाँ पे 255 दिख रहा है। और नीचे का अगर बात करें इसमें, अगर आपको यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे टारगेट बताए, मैंने कहा था आपको 200 का, 210 का कहा था, ये 195 कह रहा है, यानी आप इंट्री लेवल ये भी रख सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा आता है, इस पे आता है, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, 295 पर भी एंट्री ले सकते हैं, और 255 का आपका ये टारगेट हो सकता है, पहला रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर इसमें और भी आपको मिला जल्दी से तो आप रुक सकते हैं, और दूसरा टारगेट आपको 280 का मिल सकता है, नहीं क्या? इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे पिवट लेवल दिखा रहे हैं, तो इसमें पिवट पॉइंट दिखा रहा है, तो इसमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये जोन आपको जल्द से जल्द मिलने को मिल सकते हैं 250 के। अगर आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, 230 पे भी एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसे अभी थोड़ा सा इसमें कम करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको और भी सपोर्ट जोन दिखाने के हैं, तो थोड़ा सा ये हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये लाइन मुझे नहीं चाहिए थी, ये लाइन कैसे आ गई, तो ये लाइन चाहिए थी मुझे, इस तरीके से ये जोन था। और दूसरा, और ये हम बताएंगे आपको कि ये एक जोन था, तो इस जोन के ऊपर निकल चुका है। कहाँ कहाँ इसमें इस जोन के ऊपर निकल चुका है, यानी 164 और 209 के बीच में से कहाँ कहाँ स्टॉक ने काफ़ी हद तक इसमें, अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा छोटा कर दे, तो और आपको यहाँ पे 2019 में कहा था, 2000 ये 18-19 का ही मामला है, ये काफ़ी हद तक ये टारगेट उसमें आपको देखने को मिले थे कि ये लगभग 2015 में तो ये 445 के करीब था। ये अगर हम यहाँ पे बताएंगे आपको, तो यहाँ पे 400 के ऊपर लेवल देखने को मिलते थे। लेकिन अभी उसी तरीके से यहाँ पे फिर से इसमें कुछ यहाँ पे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरीके से अगर आप थोड़ा सा इसे करने की कोशिश करें, यहाँ से जो स्टॉक गिरा है, अगर आप इसमें देखे तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से स्टॉक पूरी तरीके से गिरा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ये कौन सा जोन था हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ये जोन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये जोन था, और इसमें एक क्लिक मारते हैं यहाँ पे,
तो इस तरीके से, और थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, नहीं क्या? तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जोन था 109 का, यहाँ पे कब था ये? कोविड के टाइम मेरे ख्याल से था, 109 का जोन था ये। यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी हद तक ये, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये फिर इस तरीके से अगर हम देखें, ये पूरी तरीके से इसने यहाँ पे राइजिंग, यहाँ पे ये जोन तोड़ा उसने, फिर ये जोन तोड़ा उसने, अगला जोन हम कह सकते हैं कि ये 450 का भी जोन तोड़ सकता है इस तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पे उसी तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर करते करते स्विंग अगर देखें आपकी, ज़्यादातर आपको यहाँ पे वही मिलेंगे। यहाँ पे एक बार इसने, यहाँ पे नीचे आने के बाद एक बार इसने कोशिश की थी 200 के ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ सक्सेस हो गया है 200 के ऊपर निकलने के लिए। तो ये तीन जोन में से आपको इस तरीके से अभी यहाँ पे स्टॉक है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक अभी बढ़ते 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 हुए, पहले आपको यहाँ पे 300 का टारगेट देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे 400 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते तो ये तो हो गया आपको, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको 250 का टारगेट मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से आपको मिल सकता है। अगर नीचे भी आया, पहला सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे 164 में मिलेगा, यानी 164 पे आप बाहर निकल सकते हैं, और दूसरा तो बहुत लंबा है, ये 9 का है, तो इतना देर आप नहीं रुक सकते और रुकना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आप अगर ये नीचे भी आया, समझो 230 पे भी एंट्री ले ली, 230 पे अगर नीचे भी स्टॉक आया तो आप यहाँ पे 200 पे आप इसमें से निकल जाना ही सबसे बढ़िया होगा मेरे ख्याल से, सबसे अच्छा होगा। इस तरीके से आपको मैंने समझने की कोशिश की है कि इस तरीके से ये जो अभी हमने लेवल आपके सामने देखे हैं, तो इस तरीके से ये स्टॉक किसी तरीके से परफॉर्मेंस करता है, तो ये लेवल के ऊपर चला गया है तो अच्छी बात है। यहाँ तक आ सकते हैं, 200 के करीब आ सकते हैं, अगर नीचे आया तो 200 200 में निकल सकते हैं बाहर, और ऊपर चला गया तो 250 या 270 का वेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ये पूरी तरीके से राइजिंग रहा, नहीं कि पूरी तरीके से राइजिंग रहा, थोड़ा सा स्विंग ऐसा अप डाउन होगा, लेकिन साइडवेज अगर चला गया ऐसे तो आप इसमें थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा नीचे आया तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए इस तरीके से, नहीं क्या? अगर ये दो सीधा रहा समझो ऐसे करके, तो आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, 270 तक का भी आप लेवल इसमें देख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।